Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, रामपुर जो कि आजम खान का गढ़ था, रामपुर में किला ढहाने वाले नव निर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को अब आजम खान का जो लखनऊ वाला आवास था वो दे दिया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने उन्हें आवास आवंटित किया है। विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि दारुल सफा का वही आवास आवंटित जो है वो किया गया है जिसमें पहले आजम खान रहते थे, जो सालों से समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के पास था। हाल ही में आजम खान जेल से छूटने के बाद इसी आवास में रुके थे। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और आजम खान के करीब असीम रजा को करीब 33,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि नियमों के तहत जो है उनको आवास मिला है। जानकारी मिली है कि 34 भी मुझे आवंटित किया गया है, अभी तक उस आवास को उन्होंने देखा रही है। सोमवार को ली थी शपथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार को रामपुर के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई थी। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। आकाश ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि रामपुर की जनता पर कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब पहले से ज्यादा मजबूती के साथ और भी लड़ाई लड़ी जाएगी। रामपुर में केवल उद्योगों की बात होगी। आकाश सक्सेना ने कहा कि यह शपथ विकास और नव रामपुर के निर्माण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि रामपुर के सेवक के रूप में काम करूंगा और रामपुर को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए कार्य करूंगा। जी हां, बात करें तो जब से आकाश सक्सेना ने आजम खान को हराया है उसके बाद उनका जो राजनीतिक कद है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और विधानसभा चुनाव उपचुनाव जीतने के बावजूद भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो इसके बाद अब आजम खान के बंगले पर भी उनका कब्जा हो गया है। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।